हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर सम नेचुरल फेनोमेना। इन द नेचर देयर आर वेरियस डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना। आप पिछले क्लास में जो क्लास 7 है उसमें आप साइक्लोन, विंडो, स्टॉर्म, ये सभी डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना है जो से आप पढ़े होंगे। इस क्लास में, इस चैप्टर में यहाँ पर हम कुछ नए डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाइटनिंग हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये सब चीजें, ठीक है। लाइटनिंग जो होती है, ठीक है, लाइटनिंग इज अ फेनोमेनन, इलेक्ट्रिक फेनोमेनन है। लाइटनिंग जो होती है वह जो है एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। जब भी आप देखें कहीं पोल वगैरह पे, कहीं आप देखते होंगे है ना, किसी बिजली के खंभे के पास आप देखें तो दो तारे आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक उसको स्पार्क होता है, चिंगारी निकलती है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क कहते हैं, ठीक है। तो जब यही इलेक्ट्रिक स्पार्क हमारे नेचर में, हमारे है ना एनवायरमेंट में जब यह घटित होता है, जब यह अकर करता है, तो इसी को हम कहते हैं लाइटनिंग कहते हैं। जैसे अक्सर बरसात के दिनों में यह देखने को मिलता है कि आकाश में बादल छाए रहते हैं तो उस समय है ना जोर की जो है ना तड़तड़ाहट की आवाज होती है और इलेक्ट्रिक स्पार्क एक जो है ना ऐसा स्ट्रीक चमकता हुआ दिखाई देता है, लगता है कितनी जो है उसमें है ना इलेक्ट्रिक स्पार्क में कितनी उसमें वोल्टेज की रोशनी है कि देखिए एकदम उजाला हो जाता है। तो हम यहां पर इसी तरह के कुछ नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले 2500 ईयर्स एगो ग्रीक साइंटिस्ट, नाम सुना होगा, ग्रीक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट उनका नाम क्या था, नेम थैल्स, उनका नाम था थैल्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फेनोमेनन को इन्होंने ही वहां पर बताया था कि जब भी किसी वस्तु को, जैसे उस समय एक मटेरियल होती थी जिसे अंबर, जिसे कहा जाता था अंबर, अंबर को जब उन्होंने सिल्क से रब किया, ठीक है, सिल्क से रब करते हैं तो अंबर सिल्क को अपनी ओर बाद में अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है। यानी यदि हम अंबर को, ठीक है ना, अंबर रब्ड विथ सिल्क, सिल्क के साथ रगड़ा जाता है, तो इन पर यानी अंबर पर भी और सिल्क पर भी दोनों पर इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन आ जाते हैं। अंबर है ना और सिल्क है ना बोथ अट्रैक्ट फीडर, किसको अट्रैक्ट करते हैं, फीडर यानी, ठीक है ना, फीडर को अट्रैक्ट करते हैं अंबर को। तो उन्होंने कहा कि जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें है ना यानी अंबर पर भी क्या पैदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, सिल्क पर भी क्या पैदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी है ना इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अंबर एंड सिल्क by rubbing against
ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को जब रगड़ा जाता है तब उन पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरफ देखिए, देयर आर द वेरियस पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कई ऐसे पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है जिसे हम, जिस पर हम जो है रबिंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। जैसे आपका ग्लास रॉड हुआ, ग्लास रॉड है ना, प्लस सिल्क, सिल्क के कपड़े, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से रब करें तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी दोनों पर, ठीक है ना, दोनों को रब किया जाए ए पेयर। उसी तरह आपको है ना प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक कॉम प्लस ड्राई हेयर, ड्राई हेयर है। उसी तरह अंबर, अंबर प्लस सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। उसी तरह रबर बैलून, रबर बैलून प्लस ऊल है ना, ऊल एंड क्लॉथ। देर आर वेरियस पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वी रब, जैसे एबोनाइट है ना, एबोनाइट, एबोनाइट भी एक मटेरियल है, प्लस फर, फर के साथ रगड़ा जाए। तो देर आर वेरियस पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन रब टुगेदर है ना, जब इनको हम रब करते हैं तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखें कैसे डिफाइन करें, द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज द प्रॉपर्टी इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑफ मैटर, ठीक है ना, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, फेनोमेनन, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक मौलिक प्रॉपर्टी है जो उसके इलेक्ट्रिक फेनोमेनन के लिए उत्तरदायी होता है, जो उसके इलेक्ट्रिक फेनोमेनन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहां पर हम देखें तो हम दो तरह के, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक जितने मैटर है, मैटर को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं, एक हो गया अनचार्ज, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो गया चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हैविंग नो चार्ज,
no electric charge on its surface is known as uncharged object. ठीक है ना? और ये हो गया the object having charge on its surface is called charged object. Charged object. तो इस तरह देखें ऑब्जेक्ट जो है दो तरह से हो सकते हैं. ठीक है ना? एक जिस पर चार्ज हो तो उसे चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे पर यदि कोई चार्ज नहीं हो तो उसे अनचार्ज कहते हैं. अब सवाल, हाउ कैन वी प्रोड्यूस है ना चार्ज ए बॉडी, है ना, हम कैसे एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. हाउ कैन वी चार्ज है ना एन ऑब्जेक्ट, कैसे चार्ज करते हैं. वी कैन चार्ज एनी ऑब्जेक्ट बाई रबिंग है ना विथ एनदर बॉडी. वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाई rubbing it with another object. ठीक है? जब हम किसी दो वस्तुओं को जब हम आपस में रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो उन पर चार्ज पैदा हो जाता है. जैसे है ना ग्लास रॉड को है ना सिल्क के साथ रब किया जाए, सिल्क क्लॉथ के साथ है ना रब की जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट ओनली प्रोड्यूस ऑन द वन बॉडी, इट प्रोड्यूस ऑन द बोथ बॉडी. दिस चार्ज प्रोड्यूस है ना ऑन बोथ बॉडी, बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों पर ही उत्पन्न होती है. जैसे आप हम देखें, फिर से आप देखें प्लास्टिक कॉम्ब प्लस ड्राई हेयर रब्ड करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होगा. उसी तरह एबोनाइट की रॉड ले लें और उसे फर के साथ रगड़ रब करें रब्ड तो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होगा. ठीक है ना? उसी तरह रबर बैलून ले लें तो देयर आर वेरियस, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल दीज आर इंसुलेटेड बॉडी. ठीक है ना? ये सभी जो है ग्लास है, सिल्क है, प्लास्टिक है, एबोनाइट है, फर है, ड्राई हेयर है, ये सभी क्या है? इंसुलेटेड बॉडी है, कंडक्टर नहीं है, ये सभी नॉन कंडक्टर है. ठीक है ना? तो जब हाथ से हम रगड़ते हैं, हाथ से ही पकड़ कर रगड़ते हैं, तो जब हाथ से हम पकड़ कर रगड़ते हैं तो ये चार्ज जो है फ्लो नहीं करता है ना. द चार्ज प्रोड्यूस
by rubbing. Rubbing. Do not blow by own. It remain. Aesthetic on surface only. ठीक है ना? जो चार्ज रबिंग के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है ये अपने आप फ्लो नहीं करता, ठीक है ना? इट इज रिमेन एस्टेटिक ऑन द सरफेस ओनली, या केवल सरफेस पर ही स्थिर रहता है ना? इसलिए सो चार्ज प्रोड्यूस, इस तरह प्रोड्यूस चार्ज को इज कॉल्ड एस्टेटिक चार्ज, एस्टेटिक चार्ज. तो इस तरह प्रोड्यूस चार्ज, सो प्रोड्यूस चार्ज इज कॉल्ड एस्टेटिक चार्ज. इस तरह जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे एस्टेटिक चार्ज कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो यहां हम देखें चार्ज कैसे पैदा कर सकते हैं, रबिंग के द्वारा. We cannot produce the charge on the metal. हम मेटल को एक दूसरे से रब करके चार्ज नहीं पैदा कर सकते. क्यों? मेटल में यही चार्ज जो होता है, मेटल है प्रॉपर्टी टू फ्लो. इस मेटल में इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की. तो विच वी होल्ड द मेटल विथ हैंड, स्किन हमारा जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो दिस चार्ज फ्लो फ्रॉम द मेटल टू आवर हैंड एंड गो टू द अर्थ, और मेटल जो है अनचार्ज रह जाएगा. यानी वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज ऑन द मेटल, जैसे अल्मोनियम है, कॉपर है, इन पर हम रबिंग करके चार्ज तो पैदा कर सकते हैं. लेकिन सिंस दिस चार्ज इज फ्लो, है ना, चार्ज जो है उसमें क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि मेटल इज कंडक्टर. मेटल जो है कंडक्टर होता है. इट फ्लो थ्रू द स्किन टू द अर्थ, है ना? द चार्ज प्रोड्यूस ऑन मेटल बाय रबिंग but metal is a good conductor of electricity, good conductor of electricity. So discharge flow through our skin to the earth and metal remain uncharged. ठीक है, और इस तरह मेटल जो है अनचार्ज रह जाता है. क्लियर? तो ये जो होता है, जितने इंसुलेटेड बॉडी या नॉन मेटल पे हम, वी नो द नॉन मेटल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज ऑन द नॉन मेटल सरफेस, है ना? अब यहां पर देखें, नॉन मेटल दैट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर है ना, इज ए बैड कंडक्टर, बैड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी प्रोड्यूस ऑन इट्स सरफेस बाय अदाबी। लेकिन हम इन पर चार्ज पैदा कर सकते हैं, है ना? ये नॉन मेटल है ना, जैसे इंसुलेटर जैसे होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, हेयर है, ग्लास है, ये सभी क्या है, रबर है ना, ये सभी पर चार्ज पैदा की जा सकती है ना, लेकिन इनके सरफेस पर है ना। सो प्रोड्यूस चार्ज है ना, डू नॉट फ्लो इट रिमेन स्टैटिक ऑन द सरफेस। यह सरफेस पर हमेशा स्टैटिक रहता है, उसी पर स्थिर रहता है, यह अपने आप फ्लो नहीं करता, ठीक है? इट डू नॉट फ्लो, क्लियर? तो इस तरह हम देखें कि दोनों ही बॉडी पर जब हम रब करते हैं तो दोनों पर ही चार्ज पैदा होते हैं, ठीक है? दोनों पर ही चार्ज पैदा होते हैं। दोनों पर जो चार्ज पैदा होते हैं, इट है ये प्रॉपर्टी, इनमें एक प्रॉपर्टी हो जाती है टू अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी, है ना? द चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग, है ना, हैज ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट the an uncharged body, ठीक है? The charge produced by rubbing है ना, has property, किसी भी body के ऊपर जो charge produce की जाती है has a property टू अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। जो बॉडी चार्ज नहीं है उसको अपनी ओर वह अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे आप देखें रबर बैलून को रब करें, इससे है ना, वूलन क्लॉथ से रब्ड, ठीक है ना? तो क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हुआ। व्हेन रबर बैलून ब्रिंग near the wall, it get a stick with wall। जब हम इस रबर बैलून को दीवाल के नजदीक लाते हैं तो यह जो है दीवाल से चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? वाल इज द अनचार्ज्ड बॉडी, वाल जो है अनचार्ज है, तो यह उसकी ओर जाकर चिपक जाता है, क्योंकि बैलून के ऊपर क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो इसमें किसी अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है?
तो बच्चों आज इतना ही, अगले है ना लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम चार्ज रब करके चार्ज पैदा करते हैं तो किस तरह के चार्ज जो है उस पर जो चार्ज उत्पन्न होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज की प्रकृति क्या होती है, और इस नन मेटल में यानी जो इंसुलेटर होते हैं उसमें चार्ज उत्पन्न क्यों होता है, जब हम रब करते हैं तो चार्ज उत्पन्न क्यों होता है, दूसरी चीज या अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कारण हो सकता है, तो इन सब कारणों पर हम लोग अगले ना वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।